महिला है, क्या नाम है आपका? गीता देवी। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं? 20,000 रुपया दे रही। केकरा नाम बताइए उसको, क्या नाम है? पैसा दिए उसको, नाम याद नहीं है? सरफराज। कितना पैसा दिए? 20,000 रुपया ब्याज पर उठा के दोमा साल से दिले। कहीं ना 3 साल हो गई। अभी तक कोई अभी तक काहे ला लिए थे पैसा? का बोलते हम 8 दिन में तोरा कॉलोनी दिवत हियो। हां हां, अब कैसा साल हो गया? 3 साल। और सूद आपका चल रहा? हाँ, काले डोमासा का बेटा घर रहर कारी कहाँ चल गया? देखले रही है ना। हाँ, ये महिला पास पैसा नहीं था, सूद लेके दिए हैं, हम लोग पास नहीं है, हम कहाँ से दें? पैसा लेते हैं, सूद लेके पैसा दिए हैं। ये नाम भी सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर अभी भी थोड़ा सा शर्म है भाई तो इनका पैसा या तो वापस कर दीजिए। सरकार के भी बस की बात नहीं है कि इनको कोई कॉलोनी दिला सके। पंचायत के कुछ वीडियो जो है, कुछ ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, और वो पंचायत सेवक का वीडियो है, और एक यहीं के जनप्रतिनिधि हैं या फिर उनके पति हैं, उनसे उनकी काफ़ी बकझक हुई है। मैं उस ऑडियो के जरिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे पदाधिकारी जो हैं, प्रखंड के पदाधिकारी, धौस दिखाकर या डर दिखाकर कैसे जनता की आवाज़ को चुप कराते हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बेटी दमाद सारा व्यक्ति लेके हम एक रूम में रह सकते हैं, तो सरकारी लाभ हमको क्या चीज मिल रहा है? शौचालय मिलवे नहीं किया है, कोई चीज हम लोग के नहीं मिला है। मतलब अब तक कोई आवास आपको? हम लोग के कुछ नहीं मिला है। पहले भी कोई आवास नहीं? कुछ नहीं मिला है हम लोग के। अगर कोई भी पदाधिकारी यहाँ लिस्ट तैयार करने या फिर डेटा तैयार करने आया होगा तो इनके यहाँ जरूर गया होगा। और ये जो आज हम असलियत दिखा रहे हैं आपको, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जो हम असलियत दिखा रहे हैं, वो आप देखिए कि इनका घर का स्थिति क्या है। और इनको आप निर्णय लीजिए, आप जनता हैं, आप निर्णय लीजिए कि इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए चलिए। कितने लोग रहते हैं इसमें? हम लोग 13 फैमिली रहते हैं इसमें। 13 फैमिली रहते हैं। कितना कमरा है टोटल इसमें? इसमें 2 गो उसमें रूम है, 2 गो घाट है, इसमें है 2 गो उसमें रूम है। और ये पूरा कच्चा का मकान है आप देख लीजिए, और इसमें 13 लोग रहते हैं। और मट्टी इतना गिरता है बरसात में, लिपते लेवारते एकदम दिमाग खराब होता है, हर साल लेवारते लिपते हैं। जनता जब बताइए कि सरकारी जब हम लोग को वोट देने के लिए अधिकार है तो ये बरामदा है इनका, और ये 4 फैमिली रहते हैं। इधर 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 सास ससुर बोल रहे हैं कि रहते हैं। क्या 4 फैमिली हम लोग इसमें रहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। क्या तो आप लोग को मिला ही नहीं? नहीं एक छोड़ दो बार वास आया, अब पैसा डलाएगा, अब पैसा डलाएगा, लेकिन कभी नहीं आया कोई आवाज नहीं। आज एवरी दशहरा का डलाएगा तो अभी आदमी मुखिया उठाता है, सब उठाता है, यही चलते उठाते हैं। देखिए हम इनके घर में आके, घर में घुस के देख पा रहे हैं कि 2 कमरा है, और इधर इनके सास ससुर रहते हैं और इनका ये फैमिली रहता है। ये सोचने वाली चीज है कि आप जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए, और किस प्रक्रिया के तहत आपने वो लिस्ट तैयार किया है उस पर आप विचार करिए, अन्यथा ये जनता आपसे लगातार यूं ही सवाल पूछती रहेगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। परिवार कैसे रहता होगा इस घर में? यहाँ पे देखिए ये बक्सा है, इधर ये है, और इधर इधर बेड है, और इतना ही पूरा परिवार रहता है। अगर इस वीडियोस को देख के आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, जो अधिकारी हैं तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और जो आप भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, जनता को जो मजबूर कर रहे हैं आप आंदोलन को, वो आप मत करिए। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये जनता जिस दिन जग गई, जिस दिन आपके अपने हक और अधिकार के लिए आप तक पहुंच गई, तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं गरीब परिवार से बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इनका खाना बनता है, इधर देखिए स्थिति यहाँ का दिखाई दे रहा है, ये टूटा हुआ। अब ये सच्चाई भी अगर आप नहीं देख रहे हैं, जो पंचायत सेवक है जो आप फोन करके गाली और गलौज और धमकी दे रहे हैं किसी को भी, तो ये सच्चाई भी आपसे जनता पूछेगी और आपको जवाब देना होगा। इधर देखिए, और आप इनको भी नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला।
वो अलोक बलोक जाते हैं सर, तो हम लोग के जानकारी नहीं रहता है। जिसका गांव में जानकारी है वो लोग अपना अपना दौड़ दौड़ के करवा ले रहे हैं। हम लोग के अभी बच्चा के राशन कार्ड में नाम नहीं है, अभी वो बच्चा का राशन मिलता कि नहीं मिलता। तीन तीन ठो बच्चा का नहीं राशन है, तो एमओ जगह जाइए तो फलना जगह जाइए, हम लोग के मालूम रहेगा तब न जाएंगे। हम लोग के मालूम नहीं है, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो दौड़ने वाले लोग हैं पैसा वैसा लेके करते हैं? हाँ, पैसा वैसा लेके करते हैं। हम लोग के मालूम नहीं रहता है तो पैसे नहीं देके करवाएंगे, लेकिन अभी करवाए नहीं है पैसा देके हम किसी को। लेकिन हम लोग के तीन तीन को बचत नहीं मिल रहा, हम लोग के 35 केजी राशन मिलेगा तो हम लोग के 18 केजी मिलता है। चलिए, ये आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और अधिकारी तक जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन, जनता की आवाज। और आज मैं जनता की आवाज को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं मेदिनीनगर के सदर प्रखंड अंतर्गत, ये कौड़िया ग्राम है, जहां पर लगातार कई हफ्तों से मुझे ये कॉल आ रहा है कि आप एक बार अबुआ आवास पर थोड़ा सा सवाल करिए कि कैसे और किस आधार पर यहाँ के लोगों के लिए अबुआ आवास मुहैया कराई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हम लोगों से, खासकर जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनसे कोई भी राय या मशवरा नहीं लिया गया है कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और ये जायज़ भी है, क्योंकि ये मामला पूरे पलामू के अंदर खलबली मची हुई है कि अबुआ आवास जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो इसी सवाल को लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर वैसे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं जो रूट लेवल पे काम करते हैं, और अगर हम ये कहें कि वार्ड सदस्य तक भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सच्चाई अगर देखा जाए तो पंचायती राज विभाग ने अगर ये पंचायत चुनाव कराया है तो उनको जिम्मेवारी मिलनी चाहिए कि किनको आवास मिलना चाहिए और किनको क्या ज़रूरत है, उनसे राय जरूर लिया जाए। लेकिन यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हों या फिर जिले के अधिकारी हों, किसी ने वार्ड सदस्य से भी बात करने की कोशिश नहीं किया है, मुखिया से भी बात करने की कोशिश नहीं किया है, और डायरेक्टली वो लिस्ट जारी कर दिया गया है। हम वैसे लोगों के घर के पास भी जाएंगे जो मजबूरी में, आप कहें तो, लकड़ी लगाकर खड़ा करके छत के नीचे रह रहे हैं, जिनको आवास की ज़रूरत है। एक कमरे में 5-5 परिवार रह रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप भी इस मामले को निर्णय ले सके और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे सके। सबसे पहले जिला परिषद पति है यहाँ पर उपस्थित अर्जुन सिंह जी से हम बात करेंगे। स्वागत है आपका द न्यूज़ रेवोल्यूशन में, और आपके क्षेत्र में हम उपस्थित हुए हैं और आप ही के जनता लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जिनको आवास मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया है। और क्या सरकार के अधिकारी या फिर जिले के अधिकारी आप लोगों से इस पर कोई बात या कोई प्रतिक्रिया देना चाहा है? धन्यवाद। जो आप देखिए, बहुत खुशी की बात था कि झारखंड सरकार ने अबुआ आवास लागू किया, और अबुआ आवास ने सभी को हौसला बुलंद हुआ था कि जो व्यक्ति के प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है उस वंचित व्यक्ति को अबुआ आवास दे करके लाभान्वित करने के बात हुआ है। और सभी को आम सभा के माध्यम से, सभी जिसको अबुआ आवास चाहिए वो लोग ऑनलाइन आवेदन किया और उसको प्रतीक्षा सूची बना है। एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, मेजोरिटी हो, सभी के किया गया है। लेकिन जिला प्रशासन के ओर से, जैसे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कोनेटर, ये लोग जाँच करने आते हैं, तो हम उन लोग से पूछना चाहते हैं कि आखिर किस व्यक्ति को और कैसे जांच कर आप टिक लगा दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रतीक्षा सूची बना है तो एक नंबर से चलेगा। आप उसको जांचिएगा तो उसको दिखाना होगा कि इसको क्यों हम छांट रहे हैं, और आगे हम 3 नंबर छोड़ के 4 नंबर पर कैसे चल गए, और 4 नंबर के हो गया और 3 को छट गया। तो इसको जाँच के विषय है। यहाँ पर सभी जाति में गरीब परिवार है और खपड़े मकान है, इसको निश्चित रूप से अबुआ आवास मिलना चाहिए। उपायुक्त पलामू, माननीय उप विकास आयुक्त महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से इसको इस पंचायत में जांच कराते हुए अगर जो गलत किया होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर देखने की चीज़ है कि अभी चला जाए, एक रूम में
परिवार के साथ लोग नुवा समाज के रह रहे हैं, जो कि हम लोग हमेशा प्रयास किए कि लोग के आवास मिलना चाहिए। तो ये स्थिति है, देखने की चीज है, चल के देख लिया जाए। चलिए बिल्कुल हम जरूर देखेंगे। और इससे पहले एक चीज इन्होंने कहा कि अगर किसी की सूची में नाम आया है या फिर किसी की सूची से आप नाम हटा रहे हैं तो उसका कारण जरूर होना चाहिए कि आप इनका क्यों हटा रहे हैं। पहला चीज तो ये अच्छा इन्होंने कहा कि अगर आपने लिस्ट जारी किया और इसके बाद फिर दूसरी लिस्ट जारी हो रही है तो उसमें बिना कारण बताए आप जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसको हटा के किसी और का आपने नाम रख लिया, तो ये लिस्ट में जो आप जिनका नाम काट रहे हैं उनका एक सूची ये होना चाहिए था, रिमार्क्स होना चाहिए था कि आपने इनको क्यों काटा। तो दूसरी चीज एक चीज ये भी है कि जैसे यहाँ पे टोटल देखिए आप इधर आ जाइए, ये प्रमुख साहब हैं और इसी क्षेत्र के हैं, और आपसे कभी अबुआ आवास के लिए कोई राय, कोई मशवरा, कोई सलाह लिया गया? इस पर तो जितने भी पदाधिकारी आए गांव का जनप्रतिनिधि को नकार कर चला, और ये अबुआ आवास झारखंड सरकार की अच्छी पहल था, लेकिन हमारे गरीब गुरबा को जो जो व्यक्ति को मिलना चाहिए था, जो व्यक्ति कच्चे में हैं उनको नहीं मिल करके ये आ करके, और यहाँ की पंचायत के जनप्रतिनिधियों का भी नहीं इन लोग जो है कि से विचार लिया और अपना मर्जी से ला करके जो है कि इन्होंने काम किया, और जो भी पदाधिकारी जो चयनित किए हैं उनको हर हालत से कार्रवाई किया जाए। मैं आग्रह करूँगा यहाँ का डीसी महोदय से और हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के लोग हैं यहाँ का जो है कि अमल किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है कि अनशन पर इसका बहुत कड़ी जोर जो है कि विरोध करूंगा। मैं आप सभी को झारखंड जोहार। देखिए अबुआ आवास में यही कहा गया था कि जिनकी पक्के की मकान नहीं है उनको मकान दिए जाएगी, जिनको कभी आवास की सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है उनको आवास दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ठीक है झारखंड सरकार या जो भी पदाधिकारी है उन्होंने ये निर्णय काफ़ी अच्छा लिया था कि आवास मिला जाए, जिनको आवास नहीं है उनको आवास मुहैया कराया जाए, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इससे कोसों दूर रखा गया है। ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, और कहीं ना कहीं अगर जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच रहते हैं अगर उनसे वो सवाल नहीं पूछा जाए, उनसे राय नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें जरूर संलिप्त होता है, या भ्रष्टाचार को जन्म देने का एक बहुत ही बढ़िया ये व्यवस्था अगर चलाई गई है। हमारे भी देखिए मुखिया हैं और इन्होंने भी कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में गए और इनका सवाल उनसे सवाल भी किया कि आप क्यों नहीं इस पे हमारी राय लिया, या फिर लिस्ट जारी करते वक्त आपने इस पे क्यों नहीं पूछा कि ये सही है या गलत है। पंचायती राज विभाग या फिर पंचायती राज विभाग के जरिए जो ये पंचायत चुनाव कराए गए, क्या लगता है कि चुनाव करा के भी आपको एक तरीके से अपंग रखा गया, अपंगू रखा गया? हम बात करेंगे जो कोड़िया पंचायत के मुख्यापति हैं रविंदर जी से, क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ये आपका सरकार आपके द्वार लगा करके वंचित ऐसे गरीब को फॉर्म लिया गया था, और हुआ जो है इसके बाद सत्यापित के बाद जो है कि जिला से प्रतीक्षा सूची तैयार हुआ, इसके बाद हुआ है प्रतीक्षा सूची से क्रमवार यह करना था सभी लाभुक को, लेकिन अभी मनमानी करते हुए पंचायत सचिव के द्वारा या जिसको मर्जी वहीं बैठकर आवास कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में योग आयोग करते हुए आगे जहीं तहीं से उठा करके आवास का लाभ दिया जा रहा है, जो बहुत ही खेल की बात है। और इसमें पंचायत प्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई राय नहीं लिया गया, और यहाँ पर सभी लोग समझते हैं कि भाई हम लोग मुखिया बनाए और वह सभी हम लोग दुख सुख में लगातार भाग लेते रहते हैं, लोग हम लोग के
दरवाजा से निकलना मुश्किल हो गया है। और लोग कह रहे हैं आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण जो है कि यह गड़बड़ी हो रहा है। तो यह जो है कि मनमानी जो लोग कर रहे हैं उस पर जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि यह जांच कर कार्रवाई किया जाए। अभी बहुत सा ऐसा भी है कि लोगों को जो भी रहने के लिए मकान है उसको दिया बढ़ बढ़ के दिया गया, और बहुत सा जो बेघर लोग हैं वह उसको क्रम संख्या से छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। यह बहुत ही खेद की बात है। तो हम मांग करेंगे जिला प्रशासन से यह कि इसका जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। इसमें लगातार सभी मुखिया लोग का भी यह बहुत ही शुरू से ही मांग था, यह जो है कि ग्राम सभा से जो प्राथमिकता तय किया गया था वह भी नहीं हुआ। वह जिला से अपने ओर से जिला प्रशासन जो सूची तैयार किया, अब उस सूची में भी हेराफेरी किया जा रहा है। तो यह बहुत ही खेद की बात है, और गरीब को आवास मिलना चाहिए। आज यह बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है जिसमें रहने के लिए बहुत सारे लोग के पास मकान नहीं है। यही हम कह कर अपना चलिए मैं ये भी देखने का प्रयास करूंगा कि किनके यहाँ आवास नहीं है या किनको ज़रूरत है, किनकी मकाने किस तरीके से ध्वस्त है या पक्के की है या फिर गिरा हुआ है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक चीज़ अच्छा कहा कि अगर जनप्रतिनिधि को इस जनता ने चुना है तो सवाल भी इन्हीं से लोग करेंगे, ना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से। तो इनको उस कार्यों से वंचित रखा गया है तो लाजमी है कि इनका जवाब देना कहीं ना कहीं से कठिन महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं देखिए अपने चैनल के माध्यम से फिफ्थ शेड्यूल एरिया की बात नहीं करूँगा, पंचायती राज का विभाग का जो या फिर पेशा एक्ट कानून है उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन पंचायती राज विभाग ने अगर पंचायत को ये अधिकार दिया है तो लाजमी है ये जनता, देखिए इधर जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इनसे भी हम बात करेंगे। और वार्ड सदस्य कोई है क्या यहाँ उपस्थित? इधर आ जाइए, ये देखिए वार्ड सदस्य हैं, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। थोड़ा कस के बोलिएगा, रेखा देवी। रेखा देवी, रेखा देवी जी से हम बात करेंगे। और लगभग एक वार्ड में 20 से 25 घर होता होगा, एक वार्ड में कितना घर होता है लगभग? बेसी है 300-350। और करीब करीब यहाँ 10 या 15 वार्ड है इस पंचायत में, 15 वार्ड है। तो अगर इनके यहाँ अगर 100 घरों की लिस्ट है इस एक वार्ड सदस्य में, तो 100 घर के लोग जाहिर सी बात है कि वोट किया होगा और इनको जिताया होगा, तो ये उम्मीद किया होगा कि अगर इस वार्ड में कोई समस्या होगी तो ये जवाब देंगे। और इनका हाथ इस तरीके से सरकार ने बांध दिया इस अबुआ आवास में कि इनकी कोई चलती नहीं चलेगी, लेकिन जनता जो वोट किया है वो इन्हीं से सवाल करेगी, ये भी लाजमी है। तो आप अभी आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, आप लोगों से कोई राय लिया गया इस अबुआ आवास में? नहीं, हम लोग से नहीं लिया गया था, हम लोग के नाम लिस्ट में आया बंद करवा दिया, और फिर ऐसे पूछा भी नहीं बोले, और जिसको आया वो भी जो बोले कि यदि आ गया है लिस्ट मिला, अब फिर हम लोग से कोई सलाह नहीं लिए, अब जिसको आना था वो भी नहीं आया, अब हम लोग के चल के घर देख सकते हैं। देखिए ये वार्ड सदस्य ही बोल रही है कि हमारे हमसे कोई राय नहीं लिया गया, और हमारे ऊपर प्रेशर भी है कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम तो साक्ष्य बता सकते हैं, आप चल के देख लीजिए घर कि किनको जरूरत है आवास की और किनको नहीं, साफ साफ पता चल जाएगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और कैसे लिस्ट तैयार किया गया है, किन किन अधिकारियों ने ये मिलकर ये लिस्ट तैयार किया, ये विचारणीय जरूर होगा। एक चीज़ें मैं ये भी बताना चाहूँगा, 2-3 दिनों से इसी पंचायत के कुछ वीडियो जो है, कुछ ऑडियो है वो वायरल हो रहा है, और वो पंचायत सेवक का वीडियो है, और एक यहीं के जनप्रतिनिधि हैं या फिर उनके पति हैं, उनसे उनकी काफ़ी बकझक हुई है। मैं उस ऑडियो के जरिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे पदाधिकारी जो हैं, प्रखंड के पदाधिकारी ठोस दिखाकर या डर दिखाकर कैसे जनता की आवाज़ को चुप कराते हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम चलते हैं
वो लगातार वो घर देखने का प्रयास करेंगे, दो तीन घर हम विजिट करेंगे, उसमें देखेंगे कि वाकई में इनका कहना सही है या गलत। ये जनता है और ये क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कोई चीज का हम लोग के लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी लाभ हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम लोग राशन खा रहे हैं सरकारी लाभ, तो हम लोग के कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब अबू आवास हम लोग सात परिवार रहते हैं एक रूम में, इतना आप लोग घर चल के देख सकते हैं। चलिए हम इनका घर जरूर देखेंगे और जो दर्द ये दिखा रहे हैं या जिस दर्द से ये बोल रहे हैं, मैं जिले के अधिकारी और पदाधिकारी से निवेदन करूंगा। हाँ, बाल बच्चा को बेटी दामाद सारा व्यक्ति लेके हम एक रूम में रह सकते हैं, तो सरकारी लाभ हमको क्या चीज मिल रहा है, शौचालय मिलवे नहीं किया है, कोई चीज हम लोग के नहीं मिला है। मतलब अब तक कोई आवास आपको हम लोग के कुछ नहीं मिला है, पहले भी कोई आवास नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला है हम लोग के, देखिए कभी मिलवे नहीं किया है, कहीं कहीं पदाधिकारी के पास यदि जाते हैं, इतना नीचा गरीब आदमी है, कमा रहा खा रहा, नहीं कमाएंगे तो उपासे रहेंगे, इतना समझ बावजूद भी आपको कोई कुछ नहीं है हम लोग के मिल रहा है। अभी हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे, चलिए आप एक बार आइए तो हमारे साथ, अगर कोई भी पदाधिकारी यहाँ लिस्ट तैयार करने या फिर डेटा तैयार करने आया होगा तो इनके यहाँ जरूर गया होगा, और ये जो आज हम असलियत दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जो हम असलियत दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि इनका घर का स्थिति क्या है, और इनको आप निर्णय लीजिए, आप जनता हैं, आप निर्णय लीजिए कि इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए चलिए, अरुणलता देवी, अरुणलता देवी, देखिए हम पहले तो ये घर दिखाने का प्रयास करें, इधर देखिए ये अगर ये टूट जाइए तो ये कभी भी गिर सकता है, और पता नहीं कि यहाँ के अधिकारी किस प्रकार से वो लिस्ट तैयार किया है, और ये आप समझ सकते हैं कितने लोग रहते हैं इसमें, हम लोग 13 को फैमिली रहते हैं इसमें, 13 फैमिली रहते हैं, कितना कमरा है टोटल इसमें, इसमें दो घूस में रूम है, दो को घर डबा इसमें है, दो घूस में रूम है, और ये पूरा कच्चा का मकान है आप देख लीजिए, और इसमें 13 लोग रहते हैं, और मट्टी इतना गिरता है बरसात में, लिपते लेवारते एकदम दिमाग खराब होता है, हर साल लेवारते पूरा ढह जाता है। अब तक आप लोगों को कोई आवास नहीं मिला, नहीं अभी तक अभी हम लोग को कोई आवास नहीं मिला है। तो जो पदाधिकारी या जो प्रखंड के अधिकारी आए, हमें क्या लगता है उनको आप लोग कैसे देख रहे हैं, वो नहीं दिए उसका क्या कारण हो सकता है, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग का आवास हो जाएगा, अब नहीं आया अभी तक, 3 बार 4 बार 2 बार फोटो खींच के ले गए हैं। तो क्या लगता है जिस आपका इस तरीके का घर है और आवास नहीं मिला, और ये भी संदेह हो रहा है क्या कि कहीं ना कहीं लेन देन का प्रक्रिया हुआ होगा और उनका हो गया और आपका नहीं हुआ, अब इतना पता हम लोग के नहीं है, मैंने आप लोग पैसा नहीं ना दिए, पैसा नहीं दिए, उन्होंने मांग हुआ ऐसे बोलो, हम लोग पैसा देंगे कमाने खाने वाला, ये जाहिर पैसा देंगे, ये जाहिर से बात है कि हो सकता है कि अगर पैसे की खेल हुई होगी तो पैसा की खेल, ये इन्होंने नहीं दिया तो जेन्युइनली इनको नहीं दिया, और शायद जो दिए होंगे उनको पैसा से दिया, दिया उनको गया हो गया, तो हम लोग को पता तो नहीं है घर आप देखा दिखा दीजिए, हम कैमरामैन सागरा करेंगे, देखिए पूरा घर मिट्टी का ही घर है, इसमें अगले बात है 13 लोग रहते हैं और ये छोटा सा घर है, बावजूद इनको नहीं मिला, तो आपने लिस्ट किस प्रकार से तैयार किया, कैसे तैयार किया, इसका जवाब आपको जनता को देना चाहिए। इधर भी दिखाइए, जनता लेके रहेगी ये बात, जनता जब जाते बताइए कि सरकारी जब हम लोग को वोट देने के लिए अधिकार है तो ये बरामदा है इनका, और ये 4 फैमिली रहते हैं, इधर 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 सास ससुर बोल रहे हैं कि रहते हैं, और इधर क्या 4 गो फैमिली हम लोग इसमें रहते हैं, क्या नाम है आपका, प्रतिमा देवी, क्या तो आप लोग को मिला ही नहीं, नहीं एक छोड़ दो बार वास आया, अब पैसा डलाएगा लेकिन कभी नहीं आया पैसा, कोई आवास नहीं, आज कल हाथ से कमा गया, एवरी दशहरा डलाएगा तो अभी डलाएगा, लेकिन हाथ के गरीब यही ज्यादा सूती बा, बताइए कि हम लोग गरीब अगर गिर के मर यही जगह हम मर जाए तब तक, आदमी मुखिया उठाता है सब उठाता है तो यही चलते उठाते हैं। बिल्कुल देखिए हम इनके घर में आके घर में घुस के देख पा रहे हैं कि 2 कमरा है, और इधर इनके सास ससुर रहते हैं और इनका ये फैमिली रहता है, ये सोचने वाली चीज है कि आप जो अधिकारी हैं जो यहाँ पर आए और किस प्रक्रिया के तहत आपने वो लिस्ट तैयार किया है उस पे आप विचार करिए, अन्यथा ये जनता आपसे लगातार यूं ही सवाल पूछती रहेगी और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये क्या देखिए, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, ये देखिए बड़ेरी टूटा हुआ है, दिख रहा है ना ऊपर, दिखाइएगा ये बड़ेरी टूट रहा है और ये टूट के कभी भी गिर सकता है, और सरकार का यही दावा है कि जिनका आवास नहीं है, जिनका मिट्टी का घर बना हुआ है, उन्हीं को आवास देना है,
तो आप समझ सकते हैं कि इनका आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप खुद निर्णय लीजिए। आइए और भी आगे है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये कोड़िया पंचायत का वार्ड सदस्य का घर है और हकीकत हम आपको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ देखिए, अगर इनका रूम होता, कमरा होता, तो ये बाहर खाना नहीं बना रही, खाना बाहर बना रही हैं। और रहने का क्या व्यवस्था है वो भी हम दिखाएंगे। आपका नाम? पूनम देवी। क्या महसूस कर रहे हैं आपकी, ये कौन है? हमारी जेठानी। जेठानी हैं। और ये खुद वार्ड सदस्य हैं और इनके अनुसार कोई भी काम इस पंचायत में नहीं हो रहा है, या तो जिले के अधिकारी इनको कोई तहजीब नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि मतलब इनका बिना पूछे सब चीज काम हो रहा है? हाँ, बिना पूछे हो रहा है, बिना पूछे काम हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का आवास आवास मिले हम लोग को, क्योंकि घर का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग को घर होता तो हम लोग ये स्थिति में नहीं रहते। देखिए, ये बोल रही है कि घर होता तो हम बाहर खाना नहीं बना रहे होते, अगर कमरा होता तो अंदर बना रहे होते। और ये अबू आवास कहता भी है कि हम दो रूम के साथ एक किचन भी देंगे। और देखिए, जिनका किचन बाहर हो उन पर आप क्या विचार कर रहे हैं? ये जिले के अधिकारी से मेरा सवाल। 20 फैमिली रहते हैं। कितने? 20 फैमिली रहते हैं। देखिए, इस घर में बोल रहे हैं कि एक, अब हम दिखाने का प्रयास है कि 20 फैमिली कितने रूमों में, कितने कमरों के घर में ये रहते हैं? इस घर में चार भाई रहते हैं और टोटल मिला के 20 फैमिली हैं। और चारों को नहीं मिला है? नहीं, एक मिला है, एक को मिला है, बड़ा वाला बड़ा वाला को मिला है। तो बहुत पहले टाउन रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं घर घर जा करके, ताकि जो भी इस अबुआ आवास के जो सर्वेक्षण करने आए होंगे या लिस्ट तैयार करने आए होंगे, जो स्कोर बनाने आए होंगे, वो क्या देख, यहाँ आए थे कि नहीं पहले ये लोग जो अबुआ आवास वाले लिस्ट बनाने वाले हैं, कोई आए थे? आए थे और आए थे और क्या जाँच करके गए हैं वो हम दिखाने पर। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं हमको ये बताइए। देखिए, यहाँ ईटा ठोक गया है अंदर। अच्छा, अंदर इधर आइए, तो आइए। पूरा ये सब पूरा ढहल है, ऊपर प्लास्टिक लगा के रहते हैं, पानी चूके पूरा रमती हो जाता है। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे थोड़ा चीजें जो है वो बारीकी से आप दिखाइए। ये देखिए, छोटा सा ही दिख रहा है ना, यहीं पे ये किचन है, यहाँ पे बेड है, कोई भी रहना है, कोई भी जो जो जिनको बिल्डिंगें होगी, जो घर होगा, जो सुखी संपन्न लोग रहते होंगे, वो भी हमको विचार करके दिखाइए कि यहाँ इनका चूल्हा जलता है और इधर तुरंत साइड में ये बेड है। और ये देखिए, अगर जगह होती तो ये बर्तन यहाँ नहीं रखा हुआ होता, कहीं एक जगह व्यवस्थित करके रखा हुआ होता। तो ये जायज है कि नहीं, आप खुद प्रतिक्रिया दीजिए और इस पर विचार कीजिए। और ऐसे लोगों को आवास मुहैया होनी चाहिए जिनको वाकई में जरूरत है। देखिये, अभी जो बता रहे थे ना कि इस घर के अंदर 20 परिवार लोग रहते हैं, 20 मेंबर्स लोग जो रहे हैं वो रहते हैं, चार भाई हैं और चारों को आवास नहीं मिला है। ये खुद वार्ड सदस्य हैं, क्या कहेंगे यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी से, क्या आप निवेदन करेगा आप बताइए? क्या हम कहे, हमको तो मिल ही नहीं रहा कुछ, हम लोग के चांस से नहीं मिल रहा था, हम क्या कहें? फिर भी आप कुछ तो निवेदन करेंगे ना कि देखिये, हमारी जवाबदेही है जनता को देना जवाब। तो आप क्या जवाब उनसे सवाल करेंगे? क्या सवाल की मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब हमको नाम की सब टॉर्चर करते हैं कि आप हुआ थी पेपर इधर उधर कर दिए, हम लोग के दिए नहीं, आप इन्हें उन्हें कर दिए। तो हम बोले कि हमको जितना जहाँ तक हमको पहुँचता है वहाँ तक हम पहुँचा है, उसके आगे हमको नहीं पता चल रहा है, उसके आगे हम लोग के जनेबे नहीं कर रहे हैं, खाती कुछ कही नहीं रहे हैं, तो हम क्या बोले? देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये जनप्रतिनिधि हैं और ये लोग गांव के लोग सच्चे होते हैं। जब हम इनसे बात कर रहे हैं ना, तो इनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू दिख रहा है मुझे। अब ये सरकार को तय करना है कि ये झूठ बोल रही हैं या फिर जनता इनके साथ अगर जो अगर प्रेशर दे रहे हैं तो ये क्या करें। आप इनसे सवाल क्यों नहीं किए कि आप पूछते एक बार आके, ये जनप्रतिनिधि हैं कि आप एक बार दिखाइए कि इनको घर चाहिए। तो ये हमको लगता है कि कम से कम तो अगर इनके हाथ में होता तो 10 जरूर ये आइडेंटिफाई करके आपको दिखा देते कि इनको घर मिलना चाहिए। तो अब हम आपके चैनल, अपने चैनल के जरिए ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। शायद सरकार की जो जो नियत है घुसखोरी या फिर भ्रष्टाचार को जन्म देना, शायद इस पर लगाम लगाई जा सकती है अगर ये आपकी आवाज़ पहुँचेगी उन तक। आप समझिए, जो हम परिवार का घर दिखा रहे थे, करीब करीब चार परिवार इसमें रहते हैं, चारों भाई हैं और चारों में से टोटल 10 परिवार। 13
इन लोग को नहीं मिला है। अब देखिए ये घर है, आप समझिए कि जो सर्वे करने आया होगा, जो लिस्ट तैयार करने आया होगा, जो स्कोर बनाने आया होगा, क्या देख कर बनाया होगा, देख के भी नहीं दिया। आप देख सकते हैं ये सच्चाई है, ये इसलिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ ताकि यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, पैसे लेकर के अगर किसी और का आप कर रहे हैं और ये सच्चाई पाई जाएगी तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जनता जग जाएगी तो आपको जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए आप अभी से सतर्क हो जाइए, जनता की आवाज सुनिए और जनता के आवाज पर आप काम करिए। अभी जो अबुआ आवाज को लेकर के पूरे पलामू में खेल चल रहा है, जहां जनता लोग आवाज उठा रहे हैं और हम तक वो बातें पहुंच रही है, हम आप तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को? हम तो कहना चाहेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ के पदाधिकारी का, और गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। भले आपका सरकार, आपका द्वार, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम लोग के लिए कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, अच्छा ढंग से नहीं उतर पाए, कुछ होबे नहीं किया। अब होबो किया, जिसको है उसी को हो रहा है। तो आप सामने देखिए हम लोग को किस ढंग से हम लोग मैंने आवास में रह रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ खाना बना रहे हैं, वो सब देखिए। देखिए ये जनता को निर्णय लेना है, ये बुजुर्ग इंसान है और कहीं ना कहीं ये भी ख्वाब देखे हैं कि अगर सरकार हमने बनाया है तो सरकार जब ये दावा करती है घर घर जाने की, तो फिर ऐसे लोगों का आवास क्यों नहीं मिल रहा है? इनके आंख में आंसू है भाई, आप जनता हैं, जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप देखिए, पदाधिकारी तो बेरहम होते ही हैं, उनकी बातें मैं अपने चैनल के जरिए सरकार तक इसलिए पहुंचा रहा हूं ताकि आप में अगर थोड़ी सी भी हया बची है तो ये जनता की आवाज सुनिए। और वैसे लिस्ट जो इस कोड़िया पंचायत में जारी किया गया है उस पर विचार किया जाए, अन्यथा यहां के जनता आगे आने से मजबूर होंगे और ये आंदोलन को भी मजबूर होंगे। अगर आपकी आवाज नहीं सुनी गई तो क्या कहेंगे? हम तो आंदोलन पर तैयार रहेंगे, इसके लिए जहां भी जाना हो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, और डीसी को घेराव करेंगे। भाई उपायुक्त महोदय हम लोग को मालिक हैं पलामू जिला का, तो उन्हीं को ना हम लोग घेराव करेंगे या उन्हीं से ना आवेदन करेंगे। हम लोग के पास 20-25 हजार रहेगा तब ना हम लोग घूस दे सकते हैं, कहाँ घूस देंगे हम लोग, हम लोग के घूस ताकत नहीं है देने के लिए, महिला है अभी, हम सड़क तो हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? 20 हजार रूपया अगर ताकत रहता तो हम लोग ईटा बालू गिरा के हम लोग करकट नहीं चढ़ा सकते थे। ईटा महंगाई उतने है, सब चीज के तो महंगाई उतना ही है। अब सरकार दावा करते है कि हम आवास घर घर दे रहे हैं, लग रहा है कि आवास नहीं मिल रहा हम लोग के, जिसका घर में 3 तला मकान है उसको मिल रहा है 20-30 हजार, उन लोग घूस दे रहा है उन लोग के मिल जा रहा है, हम लोग के नहीं मिल रहा है, हम लोग नहीं दे सक रहे हैं, इसी चलते हम लोग के मिल नहीं रहा है। हाँ बड़ा बड़ा आदमी के मिल रहा है, जिसका घर में 20-22 गो मकान है 3 तला उसको घर में मिल रहा है, हम लोग के मिल ही नहीं रहा। ये नहीं मिल पा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हम पुनेश ठाकुर हैं, हम लोग है कि बहुत कष्ट में रहते हैं, 12-15 परिवार हैं, बहुत दिन से है कि इंतजार कर रहे हैं हम लोग अबुआ आवास आ जाए। पहले पीएम आवास के इंतजार कर रहे थे लेकिन बिचौलिया गिरी के कारण से है कि हम लोग के नहीं मिल पाया। हम लोग बहुत है कि मैंने दुख में है कि जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यही बोल रहे हैं, एक से शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, बिचौलिया से मजबूर है, मतलब कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि ये लेन देन पर काफी काम हुआ है। हाँ पूरा है कि ऊपर पदाधिकारी है कि लेन देन कर रहे हैं, हाँ लेकिन हम लोग के पता नहीं चल पा रहा है। जिसका हाथ में मजबूरी मिल जा रहा है, जिसका हाथ में पाता है उसी ले रहा है, आदमी ले रहा है, और हम लोग के पता नहीं था, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। हम लोग के देखिए राशन कार्ड में भी बच्चा लोग के नाम इतना प्रयास कर रहा है चढ़ाने के लिए, लेकिन राशन कार्ड में भी 3-4 बच्चा के नहीं चढ़ा। चलिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये तमाम जनता की आवाज आपको दिखा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो में दर्द दिखता है, वीडियो में सच्चाई दिखता है, तो आप इसको हर जगह शेयर करें ताकि यहाँ के अधिकारी से लेकर के जिले के अधिकारी से लेकर राज्य सरकार तक ये मामला पहुँचे और इस पे कार्रवाई हो। हम लोग के देखिए कॉलोनी आगे पीछे मिले, थोड़ा सा लेट से मिले, लेकिन जो आदमी काट रहा है, जो बिचौलिया पड़ रहा है, उस सबके पहले कार्रवाई कीजिए, उसको बाद हम लोग के कॉलोनी दीजिए। जब जिंदगी जी गए तो आज जिएंगे, लेकिन हम लोग के पीछे दीजिए, लेकिन उन लोग के पहले कार्रवाई कीजिए, उसको बाद हम लोग आंख से देखेंगे, कार्रवाई कीजिए। कौन आदमी ले रहा है? हाँ नहीं ले रहा है, उसको बाद कार्रवाई कर लीजिए, उसको बाद हम
हम लोग के पीछे कॉलोनी दीजिएगा। हम लोग जब इतना दिन जिएगा तो साल भर आ जिएंगे, लेकिन हम लोग के उस सबके आँख से दिखाइए करवाई करके, तभी हम लोग अधिक। चलिए, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जनता का ये जो आवाज है वो आप तक पहुँचाने पागल आदमी है, बिना मुंह के आदमी है। देखिए इनको साथ में कोई नहीं है, नाम आ गया, नाम हटा कर दूसरा का नाम दे दिए, इनको हटा दिए। फाइनल लिस्ट में इनका नाम आया था, आप ही बताइए इनके बारे में, क्या नाम है इनका? ये बोल नहीं सकती है, ये बोल नहीं सकती है, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी, ये बोल नहीं सकती है, ये बोल नहीं सकती है, इसलिए मैं इनसे नाम पूछ रहा हूँ। ये सरस्वती देवी है और आपका नाम आया था, हटा दिया गया। हाँ, सब हट गया है। देखिए, अब आप सुनिए कि एक लिस्ट जारी हुई थी स्कोड़िया पंचायत के लिए, जिसमें पहला लिस्ट में नाम था इनका, और अब उस लिस्ट को हटा कर फिर से लिस्ट निकाल दी गई है और इनका नाम उससे हटा दिया गया है। अगर उस लिस्ट में इनका नाम हटाने का कोई रीजन भी होता तो हम मान सकते थे या दिखा सकते थे आपको कि क्या रीजन से, लेकिन बिना रीजन दिए इनका नाम हटा दिया गया, कहीं ना कहीं ये विचारणीय है। ये देखिए, विकलांग और मसूमात भी हैं। अब ऐसे लोगों का अगर आवास नहीं मिलता है तो ये दुर्भाग्य है इस जिले के अधिकारी के लिए और यहाँ के, हालांकि जनप्रतिनिधियों का तो हाथ इन लोगों ने बांध रखा है इस अबू आवास के लिए, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिला अधिकारी के लिए ये दुर्भाग्य है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो विकास का दावा करते हैं, जिनके हाथ में इस प्रखंड के विकास की बागडोर है, उनसे मेरा ये सवाल है। हम तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि उन लोग जो बिचौलिया पड़ रहा है उन लोग के कार्रवाई कर लीजिए, उसको बाद हम लोग के एकदम आँख से हम लोग के दिखाइए कार्रवाई करके, तभी हम लोग मान कर सकते हैं, न तो मान नहीं कर सकते हैं। चलिए, इनकी आवाज जायज है और भी हमें मत दिखाने का प्रयास। चलिए, एकदम सड़क के किनारे देखिए, और ये मेदिनी नगर है, शहर जो है मेदिनी नगर, अब धीरे धीरे करके ये नगर निगम में भी आएगा, लेकिन ये अभी आपका, अब देखिए ये रोड के किनारे हम उपस्थित है और ये शहर है मेदिनी नगर, शहर सदर प्रखंड है, सदर प्रखंड का ये हालात है और अभी अबू आवास का पूरा घूम चल रहा है। और ये देखिए, एक ही रूम है ना, ये एक ही कमरा है, कितने लोग रहते हैं? सात को देखिए, सात लोग इसमें रहते हैं और एक ही कमरा है। कौन कौन सात लोग में कौन कौन रहते हैं? नहीं, मैंने बाल बच्चे को बताया। तीन गो बेटी हैं और दो गो बेटा है, शादी करने लायक उनकी बच्ची है, और इनको यदि आवास नहीं मिला है तो ये सोचनीय विचार है। और यहाँ के जो, मैं तो निवेदन करूँगा जो सर्वेक्षण करने आए होंगे उनसे कि आपने किस आधार पे और कैसे देखा और इनका घर नहीं दिया, ये मेरा सवाल है। और जो जनता जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आप जनता हैं, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आपकी आवाज़ को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपके साथ यदि अन्याय हो रहा है तो आप उस पर अपने न्याय के लिए आगे आइए, ताकि हम आपको सपोर्ट करते हुए आपकी बातों को जिले के अधिकारी से लेकर राज्य के अधिकारी तक पहुँचाएं, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो रुक सके। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के अधिकारी से या फिर लोगों से क्या गुहार लगाएंगे? आपको मिलना चाहिए, कैसे बोलिएगा आप? आवास मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, जरूरी है। हम लोग इतना पढ़ती है, तुम कौन क्लास में? 11th में पढ़ती है। आपकी मम्मी बोल नहीं पा रही है, आपको इसलिए पढ़ाया भी जा रहा है कि आप अपने घर का समस्या है वो आवाज उठाइए। तो क्या अधिकारी से क्या आप निवेदन करेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग के दीजिए, हम लोग के छोटा घर में हम लोग सब रहते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है रहने में। एक ही रूम है, एक ही रूम है, अंदर घुसिए ना। ये मैं दिल्ली शहर में नहीं हूँ, मुंबई शहर में नहीं हूँ, ये मेदिनी नगर का सदर प्रखंड का है। आप देखिए, ऐसे लोग जब कहाँ रहते हैं, यहाँ शहरों में जमीन की कमी है, लकड़ी उसी में रखते हैं, जमीन की कमी। इधर हम बैठ के बात करेंगे, बाहर कैसे रहता होगा इस घर में? यहाँ पे आप देखिए, ये बक्सा है, इधर ये है और इधर इधर बेड है, और इतना ही पूरा परिवार रहता है।
अगर इस वीडियोस को देख के आपको अगर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, जो अधिकारी हैं तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और जो आप भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, जनता को जो मजबूर कर रहे हैं आप आंदोलन को, वो आप मत करिए, नहीं तो आने वाले समय में अगर ये जनता जिस दिन जग गई, जिस दिन आपके अपने हक और अधिकार के लिए आप तक पहुंच गई, तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे मुझे मुर्गी लोग का भी आवाज सुनाई दे रहा है, इधर देखिए, और इधर मैंने बताइए अगले साल भी शादी करेंगे इनको, यही सब शादी करना था, घर के चलते शादी नहीं, शादी आस पास के लोग हैं, आदमी यही खातिर उठाता है। जनरली देखिए आस पास के लोग हैं वो अपना चाहते हैं, लेकिन ये दूसरे की आवाज उठा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि इन साल इनको शादी करना था, घर के चलते शादी नहीं किए, रोड पर खाना बनाते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा शर्म कमाते हैं, खाते हैं तो खाते नहीं, एक दिन कमाएंगे तो दो दिन बैठेंगे, तो हम लोग कहाँ से घुस देंगे, कहाँ से घुस दे के हम लोग कॉलोनी मांगेंगे। क्या करते हैं इनके गार्जियन, क्या करते हैं बेटा तुम्हारा? देखिए आप सैलून में काम करते हैं और 5 लोग इनके घर में हैं, उनको तो वो ये कमाते हैं तो घर का खर्चा चलता है, तो ये घर कहाँ से बनाएंगे? तो ऐसे अगर ये मामला आपके सामने जा रहा है तो आप अधिकारी इस पर विचार करिए, और इनका अपने अधिकारी से, अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, पहले तो मैं जिले के अधिकारी से बात कर रहा हूँ कि आप, निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पर जांच करिए, उचित कार्रवाई करिए, चूंकि ये मेदिनीनगर का सदर प्रखंड है, हम कहीं और दूर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सदर प्रखंड में ये हालात है तो और क्या होता होगा जंगलों एरिया में, जो जंगलों के एरिया में लोग रहते हैं उनका क्या हालात होगा, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करें, पहले इस पर आप कार्रवाई करिए। ये देखिए जनता जहाँ मुझे ले जा रही है, मैं वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सच्चाई क्या है। जब हम लोग के घर नहीं दीजिएगा तो कहला आदमी, कहला गरीब स्कूल में मास्टर नहीं खाने का, आवास के मामला चल रहा है और आप लोग नहीं खा रहे, कैसा है पैसा में रह रहा है, ऐसे हम लोग बाल बच्चा पाल रहे हैं, पेट चलेगा कि अथी पल्ली बनेगा चाहे घर बनेगा हम लोग से, और कोई अभी मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, नींद नहीं लगता हम लोग के, लगता है कि नॉर्मल निकाल के रह रहे हैं, इतना चुता है घर जाके देखिए कैसा हम लोग में रहते हैं, नाम खातिर इतना आगे इतना घर है माटी के, बाकी बहुत चुता है, सब खपड़ा नीचे चल गया, सब पानी घर में रहता है, रात भर सुतते नहीं है, ऐसे रहते हैं, जगले रहते हैं, पानी बिगने के चलते उपेज उपेज के बिगते हैं, देखिए नाली काटे हैं पानी निकले वाला, दिवाली टूट टूट के एकदम गिरने लगता है, गिर गिर के खपड़ा उपड़ा गिरने लगता है, लगता है कि हम लोग कैसे रहे घर में, सीटों देवल है इसमें भी चुता है, फट गया है पूरा, तो इसके बावजूद भी आप लोग को आवास नहीं मिला, नहीं मिला, क्या मिली नहीं रहा, मिलने नहीं रहा, लिस्ट में नाम आ रहा है, नाम आ गया कि ना आ गया क्या, फिर चला जा रहा है, मतलब लिस्ट में नाम आता है फिर कट जाता है, कट जाता है, तो ये अधिकारी का क्या लगता है आप लोग, क्या अधिकारी बिकल है पैसा पर बिकल है, हम लोग के पैसा रहेगा तब ना हम लोग पैसा देंगे, कहाँ से देंगे, अगर दे देंगे तो कहाँ से मकान बनाएंगे हम लोग। देखिए ये जनता बोल रही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें संलिप्त है, कारण कि इनका आवास में नाम, लिस्ट में नाम आप दे रहे हैं लेकिन फिर काट दे रहे हैं, मतलब काटने का क्या रीजन हो सकता है, या तो आप पैसे लेकर किसी और का कर रहे हैं, पैसा हम लोग पास पैसा नहीं है, तो मैं उन तमाम अधिकारियों से ये अभी निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर विचार करिए, अन्यथा अपने चैनल के जरिए ये आवाज़ हम सरकार तक भी पहुंचाएंगे और आपकी पोल खोलने में हम तनिक भी पीछे नहीं रहेंगे। चल के देखिए हम लोग थोड़ा सा हैं। दिखेगा नहीं, जानते हैं 8 परिवार रहते हैं, कैसे रहते हैं सब देखिए आप लोग कैसे है, से वो वाला बैठ गया है, देखिए बैठ गया है ऊपर वाला दिखा रहा है, पूरा टूट गया है, कितना पानी पी गए, रात भर बिकते रहते हैं, रात भर सोते नहीं हम लोग, छूते हैं ना तो बुझाता है कि नहीं रहेगा, गफारे पर आ जाएगा लकड़ी, अंदर घुस के देखिए भैया, अंदर देखिए अंदर से कैसे है, ऐसे नहीं है, एक पर लेकर रहेगा, एक कौन क्लास से हम लोग रहते हैं, देखिए इस बेड पर 3-4 आदमी सोते हैं, हम लोग 5 परिवार हैं, इसमें 2 आदमी सोता है, इसमें 3 आदमी सोते हैं,
देखिए ऊपर वाला वहाँ से टूट गया है, देखिए वहाँ बरसात होता है ना तो हम लोग जागते हैं पानी बिकने के चलते, जब कैसे सुबह बाल बच्चा के सुताते हैं अथी करते हैं लिप पोट के रखते हैं पानी जैसी मारता है तभी बर्तन सब छिलने लगता है एकदम। यहाँ देखिए ना ये वाला टूट गया है, देखिए वहाँ वाला फोटो खिल गया, देखिए वहाँ देख रहा है पैसे हो गया है अभी अंदर से दबा अंदर से देख लें दबा अंदर से घुस के देखिए ना ये देखिए कौनसीला है ना ये कौनसीला देखिए कैसे हो रहा है टूट गया टूट गया। हम लोग गरीब अब दिन है हम लोग बना नहीं पा रहे हैं बाल बच्चा पढ़ाएंगे पैसों कमा खा के पढ़ा रहे हैं हम लोग कोई मजदूरी नहीं है कोई मजदूरी नहीं हम लोग करते हैं का कैमरा मैन इधर आइए आप मालिक हैं इधर आइए। देखिए मैं आवाज़ जो है वो ग्राउंड लेवल से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जी और आपके ही एक कोई पंचायत सेवक हैं फतेह अली के पता नहीं क्या नाम है उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और वो पता नहीं कैसे कैसे धमकी भी दे रहे हैं झगड़ भी रहे हैं लेकिन उनको ये हकीकत चीज़ें अगर देखने को मिलेगा तो शायद उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी। इधर देखिए अब आपको भी नहीं मिला नहीं मिला, मिला, हमको मिला, नहीं मिला है। लिस्ट उसमें पहले नाम आया था कि नहीं नाम आया था नहीं मिला मैंने आया था फिर कट गया कट गया आया था देखिए लिस्ट में नाम आप कट गया और क्यों कटा अगर इनका देखिए ये घर इधर दिखा दीजिए सब पूरा इसी में हम रहते हैं बनाते खाते हैं उधर सामान रखते हैं रूम में देखिए चलिए चलिए तो अंदर इधर आइए देखिए ये सब खाना पानी इसी में इधर 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 ये मैं गरीब परिवार से बात कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे इनका खाना बनता है और इधर देखिए स्थिति यहाँ का दिखाई सब टूट गया है तो ये टूटा हुआ अब ये सच्चाई भी अगर आप नहीं देख रहे हैं जो पंचायत सेवक है जो आप फोन करके गाली और गलौज और धमकी दे रहे हैं किसी को भी तो ये सच्चाई भी आपसे जनता पूछेगी और आपको जवाब देना होगा। इधर देखिए और आप इनको भी नहीं मिला नहीं मिला नहीं नहीं, 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 मिला। नहीं मिला क्या लगता है आप लोगों को मतलब इसमें नहीं मिलने का क्या कारण आप अभी उधर चले हाँ क्या लगता है नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है मिलिए नहीं रहा है तो आया लिस्ट में नाम खाता में पैसा डलाने डलाने कट गया हाँ तो मैंने आपको क्या संदेह हो रहा है कि कहीं कोई पैसा दे देता होगा उसका कोई पैसा दे देता होगा तब ना कट जा रहा बार बार तीन बार में एक बार नहीं मिला मैंने गरीब आदमी पैसा नहीं है तो वो नहीं ले पाएगा और जो थोड़ा पैसे वाला है पैसा दे रहा है पैसे के चलते हो रहा है ना देखिए हम सच्चाई आपको नहीं अपना देंगे ना कोई नहीं आएगा। देखिए सच्चाई हम इसलिए ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको ये शर्म आ सके कि हम कैसे लोगों का चुनाव कर रहे हैं अबू आवास में और ये भ्रष्टाचार जो संलिप्तता नजर आ रही है वो सरकार तक पहुंचे इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए निकलिए आवास नहीं मिला है हम एक घर में और उपस्थित है ये आप बाहर से ही आप देख लीजिए और ये दीवार है और ये दिखाई यहाँ पे बंद करके रखते हैं ताकि इधर कुछ जाए नहीं और इनको भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? क्रांति देवी। और क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को आवास नहीं मिला है और इस तरीके का घर है क्या लगता है आप लोग क्या मांग करिएगा? आवास मांग कर रहे हैं हम लोग को मिलना चाहिए एक घर में पच पच फैमिली रह रहा है और यही रूम है और कुछ नहीं है यही है एक रूम में पांच आदमी रह रहे हैं। देखिए एक घर में पांच पांच लोग रह रहे हैं और इसका स्थिति जो है आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग्स हो रही है वो आप देख पा रहे हैं हमें। तो अभी तक कोई आवास नहीं मिला आपको? कुछ आवास नहीं मिला हम लोग के गार्जियन के सास ससुर को इवेंट किया है तो इनके जो दूसरे पुलिस थे इसके पिछले वाले सास ससुर उनको भी नहीं मिला है और इनको भी नहीं मिला है तो ये सरकार किस आधार पर और कैसे लिस्ट तैयार कर रही है कि आप ऐसे घर को भी आप दरकिनार कर रहे हैं? ठीक है ऐसे घर 50 मिलेंगे लेकिन ऐसे घर वाले को अगर 10 को भी मिला होता 5 को भी मिला होता तो शायद इसको हम सही मान सकते थे लेकिन ऐसे लोगों को हम जो घर अब हमने दिखाया उसको किसी को नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार संलिप्त है
और ऐसे लोगों को मिला है जिनको नहीं मिलना चाहिए, वो भी आप तैयार कीजिए। देखिए आप लोग को अभी तक कोई आवास मिला है कि नहीं? अब तक पूरी जिंदगी अभी तक कोई आवास नहीं मिला, इन लोग को अभी तक कोई आवास नहीं मिला है। कै गो रूम है इसमें? कै गो फैमिली रखते हैं? पांच गो अभी है। जैसे मैंने दो गो लड़की के शादी कर दिए हैं, जब बेटी दामाद आते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ता है जी मैंने कैसे कैसे हम लोग रहेंगे। देखिए ये एकदम छोटा छोला नहीं कर रहा, ये एकदम जानवर की बात बोल रहे हैं कि दो जो है बच्ची की उन्होंने शादी कर दिया है, जब उनका पूरा जब वो उनके दामाद लोग आते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि कहाँ रखे उनको कहाँ रखे। तो आप समझिए कि अगर ऐसे लोगों को भी आवास नहीं मिला है तो आप किस आधार पे और कैसे लिस्ट तैयार किए हैं और किन किन का लिस्ट आपने तैयार किया है जिनके पास पहले से बिल्डिंगें हैं, वो भी जांचने और परखने की चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको क्यों किए, लेकिन इनका क्यों नहीं आप किए ये मेरा सवाल है। आप इस पर विचार करिए और अगर इनका जायज़ लगता है हमारी बात जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि ये तीन कमरा है, दो कमरा है और इसमें पाँच फैमिली रहते हैं, दो बेटी की शादी इन्होंने कर दिया, जब वो आते हैं तो इनको शर्म महसूस होता है कि हम कहाँ उनको रखेंगे और एक साथ हम कैसे रहेंगे, तो ये चीज़ें सोचने की चीज़ें। अब पानी जो होते हैं ना, तो पानी होते हैं तो हम लोग इधर से उधर खटिया करने चलते हैं रात भर, और पानी एकदम पूरा यौगन के पानी भर जाता है, पानी हम लोग बिकते में खाली एकदम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को भी आवाज नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये आवाज़ जानी चाहिए सरकार तक ये आवाज़ जानी चाहिए और ऐसे लोगों पर विचार करने चाहिए सरकार का, यहाँ को जिला के अधिकारी को या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी या जो भी सर्वे करने आते हैं उनको ये विचार करना है इनका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। वीडियो देख रहे हैं तो आप लगातार कमेंट जरूर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जा सके और आपकी राय ले सके हम और आपके राय के अनुसार हम आगे की वीडियो दिखा सकें। संजय नहीं देख लीजिए ना, देखिए सर, हाँ तो सामने इतना ही हाइट का घर है और कई गो रूम बैकग्राउंड में दो गो कई गो सब परिवार तीन गो गोतनी ही हम सबके कोनो को पाँच गो कोनो के छः गो तीनों के मने एगो के बड़की के पाँच गो और मेरा छः गो महली के छः गो। और अब तक कोई आवास नहीं, नहीं कुछ नहीं मिला है और लिस्ट उसमें नाम आया नाम आया है कट गया। आखिर आप लिस्ट में नाम क्यों दे रहे हैं और क्यों काट रहे हैं ये बड़ा सवाल है। अगर आप लिस्ट में नाम निकाल रहे हैं इसके बाद फिर काट रहे हैं और फिर जो फाइनल लिस्ट निकल रहा है उसमें ऐसी लिस्टें जारी की गई हैं, मैं वो भी लिस्ट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जिसपे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे घर वाले लोग को नहीं मिला, नहीं मिला और बढ़िया बढ़िया लोग को मिला भी, पता है क्या लगता है संदेह क्या है? संदेह क्या है कि हम लोग भाई गरीब आदमी के कोई चाह नहीं रहा है, पैसा हम लोग भी है ना, हम लोग घूस दे के कराएंगे, कमाने खाने वाला आदमी कहाँ से कराएंगे। देखिए जब भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये सवाल नहीं करते कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारा नाम कट गया, जिसके पास शायद पैसा होगा वो पैसा दिया और उसका नाम हो गया। कभी मिलवे नहीं किया है, लाभ मिल ही नहीं रहा है, राशन कार्ड छोड़ा के कुछ भी राशन के अलावा आवास के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और कई सालों से नहीं मिला, कई साल से नहीं मिल रहा है, कभी मिल भी नहीं मिला है, नहीं मिला है, कभी मिल भी नहीं किया है, कभी नहीं मिला है, वैसे लोग वो अभी भी नहीं मिल रहा है। लड़कन भी सियाना सियाना है, शादी भी सियाना सियाना है, हम लोग तो कैसे रह रहे हैं, बेटा तो रहेंगे कैसे रहेंगे इसमें। चलिए सवाल है जनता का भाई की ये तो किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार ली है, जो आने वाला पीढ़ी है वो कैसे गुजारेगा जिंदगी, ये आपके लिए सवाल है। अगर आप दावा करते हैं कि आवास दे रहे हैं तो आपको इस पे सोचना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। एक और है घर, दोनों एक ही ना है, हाँ, एक है। हो गया, हो गया। अरे एक ही है। इधर आइए भैया, आइएगा सर। यही दिखाना चाह रहे थे, देखिए यहाँ से हम वहाँ मेन रोड से इधर आ गए
और रोड नहीं है, इस शादी विवाह में आप लोग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? पूरा कीचड़ लग जाएगा पैर में, एकदम पूरा हाथ फूल रहेगा एकदम। रोड भी से घूर जाएगा। रोड का मतलब है, रोड का जगह है निकला हुआ कि नहीं है? बस ऐसे में है, इधर से है। पीसीसी भी बन जाए पतला तो काम चल जाएगा, 5 फीट का भी रहेगा तो हम लोग। देखिए, हम ये सवाल इसलिए पूछ दिए कि ये आवास का तो मामला चल ही रहा है, लेकिन जो क्षेत्र के सांसद विधायक आते हैं, ये वोटर्स हैं आपके, और आप इनके घर से मेन रोड मुश्किल से कितना 400 मीटर होगा, 400 मीटर के आसपास होगा, और उनके घर तक अगर रोड नहीं है तो आप समझिए कि इनकी जब बेटी और बेटा का शादी होता हुआ तो ये बारात कैसे यहाँ तक लाते? बहुत दिक्कत है, पैदल लेके आ रहा। हर कोई चाहता है कि अपने बेटा बेटी का शादी अगर हो तो घर तक गाड़ी आए और उसकी सुंदरता बढ़े, लेकिन ये सबसे वंचित है, वर्षों से वंचित है। इधर आइए और इधर देखिए, यहाँ ये घर का स्थिति आप देखिए, ये कभी भी देखिए हिल रहा है यार, ये कभी भी ये टूटेगा तो स्थिति क्या होगा इसका, गिरेगा ही। ये देखिए जर्जर पूरा दिख रहा है, और उधर देखिए वहाँ गिर ही चुका है। और ऐसे लोगों को भी आवास नहीं मिल रहा है तो सवाल लाजमी है। क्या नाम है आपका? जसमती देवी। अभी तक मैंने जब से वो आई थी यहाँ तब से कहीं ना कोई आवास नहीं मिला, कोई नहीं मिलल, खाली मैंने राशन भर सिवाय कुछ नहीं मिलल है ना। आ तीन ठो लड़का बड़न, अब हम एक कैले ही एक बेटा है, आ पुतो हम ही तीन गो बेटा हमार बड़न, आ तीन गो बेटा में मैंने हमने सब एक में रहत है, बाल बच्चा सब एक में, हाँ एक ही गो घर में। देखिए ये चीज ये एकदम सोचने वाला सवाल है, और इन्होंने एक चीज कहा कि राशन मिलता है, राशन तो भी हम आपको सच्चाई बता दे रहे हैं, अगर ये अपने जमीन के अंदर राशन उपजा के अगर सरकार को नहीं दे तो वो राशन भी इनको नहीं मिलेगा। मतलब आप इन्हीं के राशन दे के और इन्हीं को बेवकूफ समझते हैं, ये बेवकूफी बंद करिए, तमाशा बंद करिए। जो जरूरत है, जरूरत की चीजें है, ये इनके पास इतना ताकत है कि ये कमा के अन्न उपजा के खा तो लेंगे, लेकिन रहने का व्यवस्था आपको करना है। आप इन्हीं का अनाज इन्हीं को वापस कर रही है, बहुत बड़ी काबिलियत वाली चीज नहीं है। तो अब क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग कर रहे हैं यही कि जो मैंने हमको रहे वाला मैंने आवास चाहिए। हाँ देखिए, ये बुजुर्ग है, माता के समान है, और जब हम इन लोगों से बात कर रहे हैं तो हर किसी के आंखों में आंसू है। और ये अगर आपको वोट करते हैं तो ये जिम्मेवारी सिर्फ अधिकारियों की ही नहीं है, यहाँ के जो क्षेत्र के विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप इनके आवाज को सुनिए और इनके आंखों के आंसू को पोछिए, अन्यथा आप दोबारा अगर वोटिंग लेने आइएगा ना तो ये अपना समझा देंगे कि आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या करें नेता लोग भी को आप क्या कहिएगा जो वोट लेके जाते हैं? फिर आते नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, हाथ जोड़ देंगे सर हम वोट नहीं देंगे, जब हमको कुछ मिलवे नहीं करेगा तो हम क्या देंगे? वोट खाली वोट दे रहे हैं, सरकार बोलते हैं यही मारिए, लेकिन हम लोग देख के वही मारते हैं, वोट अलगे नहीं जाने देते हैं, लेकिन हम लोग के सरकार कुछ भी मने आवाज नहीं देने पा रहे हैं, काजन जे कहे नहीं दे पा रहे हैं उन लोग के, हम मिले नहीं है कि कहा नहीं है। जब इनसे हम बात करें तो एकदम सच्चाई और रूबरू निकल रहा है इनका, तो ये विचार करने की चीज है। अगर आप हमारे वीडियोज को देख रहे हैं और ऐसी जनता की आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा, सरकार तक नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ के जो विधायक और नेता हैं, सांसद हैं, वो भी इसी तरीके से जिंदगी भर मुंह बंद करके रहेंगे और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चैनल के माध्यम से हम यही आगाह करना चाह रहे हैं कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, अन्यथा आप जो दर दर वोट मांगते फिरते हैं वो आपको जवाब आपको ये दे देंगे। आइए, दो रूम है जिसमें कि मेरा भाई उधर रहता है, माँ रहती है, इसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग चार परिवार होते हैं, माँ तीन गो उन लोग होते हैं, हमने सात परिवार इसी मने अति में रहते हैं। रूम में रहते हैं एक ही, ये बरामदा एक ही है, और इसमें कई गो भाई रहते हैं? दो भाई, एक बहन, एक माँ, और मेरा दो बच्चे ये है। अंधेरा में उधर दिखेगा, इधर आ जाओ, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत, हम गलत थोड़े बोल रहे हैं। ये देखिए इधर आओ, इधर हम इन्हीं से बात करेंगे। देखिए हालांकि ये बात नहीं कर पाती हैं, हम इनका पहले स्टेटमेंट ले चुके हैं इनके भाई से, और ये विकलांग भी हैं, और
उसके बावजूद भी अगर इन कोई परिवार को नहीं मिला है अभी तक मेरे हम लोग का गार्जियन के ना माँ के ना हम लोग का किसी का नहीं आवास आया किसी का नहीं मिला है पिताजी भी एक्सपायर कर गए बताइए और ऐसे लोगों को आवास सुनते हैं पहला लिस्ट में नाम था पहला लिस्ट में नाम था इसके बाद कट गया फाइनल में कट गया फाइनल में और फाइनल में अगर चेक किया जाए वो लिस्ट को और ऐसे लोग उसमें पाए जाएंगे जिनका नाम जिनका बिल्डिंग है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे अधिकारी तो उन लोग को नहीं होना चाहिए अगर बिल्डिंग रहने के लिए है तो नहीं होना चाहिए और जिसको नहीं है कम से कम जो है देख कर जाँच करके दिया जाए उन लोग का ठीक है मैंने आप लोगों को लगता है कि धांधली हुआ है हाँ, पूरा धांधली एकदम पूरा धांधली तो हो रहा है ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा और अभी भी घूर रहा है धांधली किए धांधली हुआ है ये तो माँ है ये बोल नहीं सकते हैं इसका बेटा बोल रहे हैं तो इस तरीके से इस पर विचार करने की जरूरत है जो भी पदाधिकारी वीडियो सीओ है उनको इस पर निर्णय लेना होगा कि यहाँ के लोगों को उचित है उनको मिलना चाहिए जो अनुचित है उनको आप देख के विचार करें ठीक है देखिए हम रोड की बात कर रहे थे यहाँ तो नली भी इस तरीके का है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये नली इधर से निकलता है और ये बाहर की ओर नहीं जाके घर में जाता है देखिए सामने ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ से नली निकला और ये घर के सामने आ रहा है तो आवाज तो एक मुद्दा है ही लेकिन इधर ही सीधे से फूटा उठा लगा कर एकदम बहुत है देखिए नहीं थोड़ा सा लाइट आने दीजिए एक ही रूम है एक ही रूम में ऐसी रहता है एक ही रूम है लाइट चल रहा है हाँ जलाओ लाइट को जलाओ ना ठीक है और ये देखिए यहाँ पे ये बड़ेरी लगा के ही रखे हुए हैं और यहीं पे ये खाना बनता है और यहीं पे आना अब ऐसे लोगों को भी यदि आवास नहीं मिल रहा है तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी का क्या कहेंगे आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है इधर आइए अभी क्या क्यों नहीं मिल पा रहा है क्या आप लोग बोलना चाहेंगे कुछ हाँ सर क्योंकि पूरा टूटा फूटा है यही मेरा रहा है हम लोग के चाहिए आवास पहले से कभी नहीं मिला कभी नहीं, कभी नहीं मिला दो दो बार नाम लिस्ट में था तपर में भी नहीं मिला तब क्यों है अब क्यों मिला तब नहीं मिला तो लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी कट जा रहा है कट जा रहा है तो क्या संदेह है कुछ संदेह है क्या थोड़ा सा लाइट देना बताया था थोड़ा सा भागवत क्या संदेह है संदेह है हम लोग का यही जो अब आवास मिलना चाहिए तो मिलनी चाहिए है ना मैंने कुछ संदेह है कि पैसा लेके लोगों का कर दिया जा रहा है वो घूस ले लेके कर दे रहे हैं हम लोग गरीब आदमी है कमाता खाता एक थप्पड़ में भी तनी मानी पीते खाते हैं दारू शराब पीते हैं गरीब आदमी हम लोग कहाँ से देने पाएंगे घूस देखिए ये बोल रहे हैं कि कमाने के लिए सिर्फ जो है वो खाने के लिए कमाते हैं तो हम किसी को दे कैसे पाएंगे और इसमें लगता है आपको कि जो पैसा दे रहा है उसका हो रहा है, हाँ, है हो रहा है जो पैसा दे रहा है उसका हो रहा है चलिए इस पे विचार करने की जरूरत है हम हकीकत चीजें दिखा रहे हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक है आप आगे चलिए ठीक है बड़ा तो देखे घर पर पैसा लेके कौन नहीं मिला तो नहीं मिलके मिली कहीं ना मैंने इतना उम्र हो गया अभी तक कोई नहीं मिला अब अभी आये रहे पदाधिकारी लोग तो लिया था कि हाँ आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नाम तो बाही लेकिन कट गए फिर अब कटल बाकी करने के कारण हमें तो पता नहीं है हाँ ना हाँ तो मतलब सरकार से काम मांग करें कि मिलना चाहिए हाँ है ना तब अब ऐसा भी हो गया तो हम कहीं ना मर जाएंगे तब मिलेगा देखिए ये सवाल सही है कि इतना उम्र हो गया और सरकार आज से नहीं वर्षों से दावा कर रही है कि हम आवास 100% दे रहे हैं लेकिन इनको अभी तक नहीं मिला क्या नाम है आपका नूर जहाँ चलिए अभी हम बात कर रहे थे नूर जहाँ यहाँ अभी आपका क्या नाम है हमारा जमील अभी भी नाम है और यही देखिए इधर दिखा दीजिए इनका ये किचन हो गया बेड पर किचन बना रखे हैं और इधर बेड है कितना परिवार रहते हैं इसमें हम लोग अभी दो गो हैं हमारे बेटी दामाद आयल गर्ल नाती नतनी सब जितना भी है सबको इसी में एडजस्ट करते हैं तो सरकार से आप लोग मांग क्या कर रहे हैं जो हमको भी कॉलोनी नहीं मिला है अब तक इतना उम्र हो गया एक भी कॉलोनी नहीं मिला है आज वोट वाले नहीं आएंगे फिर अभी चुनाव हो रहा है तो उसको क्या जवाब दीजिए उसको क्या देंगे हम लोग तो मुखिया प्रकाश के किए अब रविंदर सिंह के किए जो प्रकाश कुछ नहीं किया तो रविंदर सिंह करेंगे अब यो नहीं दे रहे हैं
तब देखिए अब कोई दूसरा के इसमें तो ये जो पंचायत के प्रतिनिधि बड़े मुखिया सबके दूर रख ले जो नेता विधायक है सांसद और विधायक उन्हीं के का जवाब देबे उन्हीं के हम का देबे जवाब उन्हीं के वोट ना देबे को है ना। देखिए भाई जनता है ये लोग जवाब देना चाहते हैं कि आपके आइए वोट में तो भी वोट बताएं नहीं वोट नहीं देंगे काहे कि देखिए जेकर पापा के घर है उसे पैसा लेके दे रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं वो लोग जाने लेकिन हम लोग के मिट्टी के घर है अब नहीं मिल रहा है अभी तक एक भी पोलिंग नहीं मिला है। नौकरी वोकरी नहीं ना करते ना नौकरी है सिलाई करते हैं हमारा हस्बैंड और हमारे लड़के दो गो तीन गो है गाड़ी चलाते हैं ऐसा नहीं है कि बस चलाते हैं ऐसा नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं लेकिन बावजूद अब मिट्टी का घर है स्कूल के बस चला रहे हैं 10,000 पेमेंट पर हाँ एकदम टाइम से आना है जाना है पानी बरसे है बाढ़ आए कितना ठंडा कनकनी रहे उस समय में हमारे लड़कन जाते हैं अब पैसा उतना है नहीं जो सब पजामा से खा सके सिलाई कर चलाते हैं तो हम लोग खाते हैं उन लोग गाड़ी चला कर तीन तीन चार चार को बाल बच्चा उन लोग के है चलिए उन लोग के भी घर हम दिखाते हैं कने घर है कहाँ से घर कने है पर घर भी चले लो घर ही जा हमरा चक्कर मारे लगले नहीं चक्कर चक्कर मार के चलो खाना होना खिया ना बीमार हम बीमार ही ना हां हो भगने बड़ भगिन दान ना कर बड़ और तो बिगाल ते लगत भगने ना रहते तो हां तो पांच फैमिली इसमें रहते हैं हां 12 साल का लड़का है वो 10 साल का है 6 साल का लड़की है का नाम है सलपा खातून। अरे देखिए कितना लड़के कितने लोग रहते हैं इसमें इसमें पांच फैमिली हम लोग रहते हैं। देखिए पांच फैमिली रहते हैं और अब तक कोई आवास कोई मिला आवास सर अभी तक नहीं मिला है ना प्रधानमंत्री वाला ना अबू आवास वाला कोई नहीं कोई नहीं। देखिए तो ये जाजती है कि नहीं आप दिखाइए इधर इधर सब चीज इतना में ये मैनेज कर रहे हैं और इधर एक रूम है हर मेहमान आते हैं इसी में रहते हैं सब। इस मजबूरी को यदि यहाँ के नेता विधायक सांसद नहीं सुनेंगे तो लाजमी है कि अगर आपकी बार वोट लेने आइएगा तो ये स्वागत तो नहीं है देंगे सर तो आप फिर आगे हाथ जोड़ेगा कि दे दूँ आपकी भत्ता नहीं देंगे सर कोई हमको लाभ नहीं मिल रहा तो वोट डाल देंगे बिल्कुल अपने अधिकार ये वोट का अधिकार है वो जब यूज कर रहे हैं और उनको अधिकार के बदले ये इनका जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो ये लाजमी है इनका कहना कि अब क्या आएंगे तो वोट बांट नहीं लेंगे। देखिए सबका स्थिति देखिए क्या नाम है आपका देखिए दरवाजा भी नहीं परवीन जयपुर चल गई है तो हम अभी बना रहे हैं वो आती है तब इधर बनाते हैं। देखिए ये नहीं वो गोतनी है वो गोतनी है जयपुर देखिए उनकी इनकी गोतनी है और अभी कैसे 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 आप बोलिए एक सच्चाई हमको बड़ा वो लग रहा है कि वो आती है तो आप इधर छोड़ देते हैं उधर बनाते हैं एक आदमी इधर बनाते हैं। अब देखिए इस स्थिति में सरकार ये दावा करती है कि हम घर घर कभी उधर चल जाती है वो है से भाई के घर है तो कभी बारिश में उधर चल जाती है चाहे दिक्कत में मनाते हैं तो घर में भाई का घर है यहाँ चल जाती है मकान बना लिया मकान बना लिया है तो कह रहा है जो हमारा खाली करो अपना में बनाओ तो है ये नहीं है जो बनाएगी जयपुर खातून। तो आप लोग क्या मैंने सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं आप लोग वोट भी करते हैं सरकार से यही कि हम लोग के जो लाभ सरकार से मिल रहा है वो मिलना चाहिए गरीब के यहाँ पहुँचना चाहिए। अभी तक कोई आवास नहीं मिला अभी तक कोई आवास नहीं मिला है न जयबुन का न सम्मा का ये सब का कोई के नहीं मिला है न सलमा के जमीला के हम लोग तीन चार इतने साल से आप लोग वोटिंग कर रहे हैं वोट वही अधिकार होता है वोटिंग हमेशा हम लोग कर रहे हैं और लेकिन कभी लाभ नहीं मिल रहा है मिलना चाहिए हम लोग के कम से कम जो आवास आ रहा है वो सब मिलना चाहिए आवास शौचालय पीएम किसान है सुधार वाला है कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं। देखिए सरकार को दावा करते हैं यहाँ के नेता विधायक जो है सांसद विधायक वो भी दावा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन हम सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनको भी शर्म लगे वोट हम लोग दे रहे हैं इसलिए कम से अब नहीं मिला अभी नहीं मिलेगा अभी मिलेगा मतलब आस लगाए हुए आस लगाए हुए रहते हैं। ये आप खबर जाना चाहिए उन नेताओं के पास भी जो झूठे वादे करके चले जाते हैं। देख रहे ना गेट भी नहीं है देखिए कैसे डाल रहे हैं पर्दा ये देखिए देख रहे ना पर्दा लगा के रहते हैं हम लोग देखिए घर की ऊपर की स्थिति देखिए कैसे प्लास्टिक डाल डाल के हैं उधर इधर दीवार बचा है प्लास्टिक दे देखिए चलिए बाबू चलिए।
अरे भैया लड़का सब खींच लीजिए, इधर प्लास्टिक देखिए कितना प्लास्टिक पूरा खींच लीजिए, हम कह रहे हैं देखिए खींचिए सब प्लास्टिक सब खींचा गया, खींचिए सब इधर देखिए सब प्लास्टिक सब खींच लीजिए। इतना हार्ड है घर कंप्लीट है देखिए हम सुबह से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार लगभग हमको लगता है कि 25 से 30 घरों में हम जा चुके हैं और उन्हीं के घर हम गए हैं जिनको मुझे लगा कि हाँ ये लाचार हैं, बेबस हैं और इनके बस की चीज़ नहीं है घर बनाना पक्के का, जिनका कच्चिया मकान है उन्हीं के पास हम गए हैं और उनसे आवाज़ पूछा है और उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसलिए मैं ये सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहा हूं ताकि आप उस पर निर्णय करें और जो जिनका होना चाहिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं जहां जहां विजिट हम किए वहां आप विजिट करिए और इनका नाम ऐड करिए ताकि ये जो वर्षों से वंचित हैं उनको आवास मिल सके। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, एकदम खुल के बताइए, चूंकि आप आज के ही बताएंगे कि लास्ट ग्राउंड के कॉलोनी मिलना चाहिए, आज के लास्ट ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग के कॉलोनी मिलना चाहिए। सरकार सब चीज में पेपर यूज करते हैं कि फलना जगह ये हो रहा है, फलना जगह पीएम किसान के भरा रहा, फलना जगह सुखाड़ के भरा रहा, सब चीज के हम लोग का पैसा फालतू नहीं रहा सर, कि हम लोग सब ऑनलाइन करवाते हैं, पैसा टू कॉपी करवाते हैं, गरीब आदमी नु सब कहल करवाते हैं फालतू में। बूढ़ी माँ तक हम लोग बाहर में सोलाते हैं, बेटी पुतो सुतल रहते हैं, हम लोग एक ही जगह सोला देखिए हम लोग के कभी नहीं मिल रहा था। कहल सरकार जब इतना भारी पद में हम लोग पब्लिक किया है सरकार को, तो सरकार हम लोग के कहा नहीं, क्यों नहीं देख रहा है? अच्छा है? ये तो हम देख रहे हैं कि हर जगह ये समस्या है, आपके यहाँ तो ज्यादा ही है। अभी फिर वोट का समय आ रहा है 2024, वोट लेने अगर नहीं कॉलोनी मिलेगा तो वोट लेने आएंगे तो चप्पल से मारेंगे, डायरेक्ट चप्पल नीचे नहीं गिरेगा, चप्पल से मारेंगे। नेता और विधायक को क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग के देखिए हम लोग अभी गोसा में से बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के सब चीज जब पूरा करेंगे सरकार तो हम लोग कहे कुछ कर सकते हैं, हम लोग आप खुशी से उन लोग के पीठ में दौड़ेंगे। लेकिन अभी कई साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अब एक लड़की हम शादी भी कर दिए हैं, सफर भी नहीं मिला, बेटी दामाद बताइए, बेटी दामाद हम लोग के दामाद रहते नहीं है, आते हैं इधर दिखाइए, इधर आइए, एक ही रूम है और इसी में देखिए यहाँ किचन है और बस इतना ही जगह है। तो अब हम अब एक गोतनी हंसी यहाँ देखिए तिरपाल डाल के रह रहा है, देखिए बताइए तिरपाल डाल के हम लोग सरकार से विधायक बना दिए, सरकार ऊपर पद में किए हैं, हम लोग काल किए हैं, बताइए ऊपर देखिए ऊपर ऊपर तिरपाल तो के रहा, ये तिरपाल है, बारिश में इनका क्या स्थिति होता होगा, इन्हीं से बारिश में खाटी करते हैं हम लोग है ना। देखिए इनके आंखों में दर्द है और हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यहाँ के जो भी क्षेत्र के नेता अगर नहीं मिलेगा हम लोग के जानकारी हो जाएगा कि कौन घूस भी ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे जरूर है ना, हाँ जरूर कहेंगे घूस ले रहा उन लोग के भी अगर पता चल जाएगा हम लोग के नजर में तो हम लोग उन लोग के झुका देंगे। चलिए जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए, ये महिला का यही कहना है कि अब उनका आप नाम इतना भी शर्मिंदा होना चाहिए, इतना बोल रहा तो असर आना चाहिए, अब इतना तो बोल दिया, अब इतना से कितना फाजिल बोल सकते हैं। चलिए वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस दर्द को, इस जो आप महसूस कर रहे हैं ग्रामीण जनता की आवाज को, इसको जन जन तक पहुँचाइए ताकि जो सरकार के अंदर या प्राधिकारी वो अलोक बलोक जाते हैं सर, तो हम लोग के जानकारी नहीं रहता है, जिसका गांव में जानकारी है वो लोग अपना अपना दौड़ दौड़ के करवा ले रहे हैं। हम लोग के अभी बच्चा के राशन कार्ड में नाम नहीं है, अभी वो बच्चा के राशन मिलता कि नहीं मिलता, तीन तीन ठो बच्चा के नहीं राशन है, तो एमओ जगह जाइए तो फलना जगह जाइए, हम लोग के मालूम रहेगा तब न जाएंगे, हम लोग के मालूम नहीं है, हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या लग रहा है जो दौड़ने वाले लोग हैं पैसा पैसा लेके करते हैं,
हम लोग के मालूम नहीं रहता है तो पैसे नहीं देके करवाएंगे, लेकिन अभी करवाए नहीं है पैसा देके किसी को, लेकिन हम लोग के तीन तीन को बचत नहीं मिल रहा। हम लोग के 35 केजी राशन मिलेगा तो हम लोग के 18 केजी मिलता है। चलिए, ये आपकी आवाज सुनी जाएगी और अधिकारी तक जाएगी। सब ले लीजिए, सब हो जाएगा। रूम में रूम ढूकेंगे तब है, ये खाली घुसखोर हो जाती है। अरे ना चलते मगर उड़ो तो सुनता थी। का नाम पड़ी रहा हूँ फुलमती सुनो देखिए, महिला है, बुजुर्ग है, पेंशन मिलता है, लेकिन वहाँ भी कह रहा है कि दूसरा आधार कार्ड बनवाइए। देखिए ऐसे में रहते हैं आप, यहाँ के जो हम सीधा सवाल करें, जो नेता विधायक है सांसद है, अगर आपके गार्जियन को अगर एक दिन भी इस तरीके के घर में रहना पड़ेगा तो रहेंगे क्या? यहाँ देखा रहे ना, ये ऊपर से मचांग लगा हुआ है और यहाँ पे खटिया है, इसी में ये महिला रहती है। ये किसी तरीके से जिंदगी गुजार दी है, लेकिन इनका जो बेटी पुतो है वो आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम इनको नहीं मिला तो हमको मिलना चाहिए, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, हम लोग इधर आइए, इधर आइए। के हैं आपके? तो ये जैसे जिंदगी बिता दिए, आप लोग आवाज उठाइएगा तब ना आपकी आवाज सुनी जाएगी। और बहुत जगह हर बार नाम आता है, जब सरकार के नहीं देना है तो नाम कहल भेजते हैं। हम लोग आश्वास हो जाते हैं कि नाम अबे किया है, आवरी में तो बनाएंगे, आवरी कटता है तो फिर एक बार नाम दूसरा बार में आते हैं तो पर भी सोचते हैं अरे आवरी में तो नाम कटा है तो आवरी में तो आएगा। ऐसी कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन हम लोग के नहीं हो रहा है। चलिए, ये हम आवाज, जनता का जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के अधिकारी को हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप हकीकत जानिए, और वैसे पदाधिकारी पर आप लगाम लगाइए जो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार करके ऐसे लोगों का नाम हटा के जो सक्षम लोग हैं जिनके पास पैसा है उनका आप कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये खबर सरकार तक जानी चाहिए ताकि सरकार ऊपर से उच्च अधिकारियों पर भी लगाम लगा सके ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। सब हाला होता है कि चोरी हो रहा है, ती हो रहा है, वो हो रहा है। महिला क्या नाम है आपका? गीता देवी। अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं पर भी नहीं आया? हां, कि 20,000 रुपया दे रही। केकरा नाम बताइए उसको? क्या नाम है? सरफराज। पैसा दिए हैं उसको? नाम याद नहीं है। सरफराज सरफराज। कितना पैसा दिए? 20,000 रुपया ब्याज पर उठा के दोमा साखा से दे रही। कहीं ना 3 साल हो गई ला। अभी तक कोई आवाज? अभी तक काहे ना लिए थे पैसा? का बोलते हम 8 दिन में तोरा कॉलोनी दिवत हियो। हां हां, अब कैसा हो गया? 3 साल। और सूद आपका चल रहा? हां, काले डमसा के बेटा घर रहर कर के कहां चगेला देख ले रही है ना। हां, ये महिला पर पैसा नहीं था, सूद लेके दिए हैं हम लोग, पास नहीं है, हम कहां से दूं? अति पैसा लेते हैं, अति सूद लेके पैसा दिए हैं। ये नाम भी सार्वजनिक कर रहे हैं, अगर अभी भी थोड़ा सा शर्म है भाई तो इनका पैसा या तो वापस कर दीजिए। सरकार के भी बस की बात नहीं है कि इनको कोई कॉलोनी दिला सके, कोई कमाए वाला भी नहीं। सरकार नहीं दी दिला पा रहा है तो आप कैसे? क्या लग रहा है, बिचौलिया है जो ले रहे हैं पैसा? बिचौलिया है। 3 साल हो गया और 20,000 रुपए दिए थे, सूद कितना भर? 54,000 वही पैसा। एक तो कॉलोनी भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से सूद भी भर। अब भी देखिए अधिकारी, अगर इस सच्चाई से वाकई अभी भी अगर सरकार के अभी भी अधिकारी यदि इस सच्चाई से रूबरू नहीं होइएगा और ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाइएगा तो भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। फिर आप कितना हूँ आप पांव फैला लीजिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे नेता हो चाहे विधायक, नहीं कर पाइएगा कभी जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं मिटाइएगा। क्योंकि ये गांव स्तर से भ्रष्टाचार चल रहा है, 20,000 3 साल पहले दिए हैं कि आवास दिला देंगे, लेकिन ये लगातार जो है वो 8 दिन में आ जाता। ठीक है, लगातार यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे खबरों को जानने के लिए, हमारे चैनल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको वीडियो हमेशा मिल सके। धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।